रोज आप लोगों को समझाया जाता है, दीनता लाओ, अहंकार छोड़ो, आंसू बहाओ। आप नहीं करते, नहीं मानते। एक पुंडरीकाक्ष महापुरुष हुए हैं, उनके शिष्य थे राम मिश्र। तो राम मिश्र ने गुरुजी से पूछा पुंडरीकाक्ष जी महाराज से कि महाराज भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती, उनमें मन क्यों नहीं लगता। तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं ये सब होता, ये तुम्हारा प्रश्न क्यों है महाराज? जरूरी है, भगवत प्राप्ति के बिना काम नहीं चलेगा। और क्यों है? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारी भगवत प्राप्ति की इच्छा होती तब तो बात बन गई होती। तुम्हारी इच्छा उच्छा नहीं है, ऐसे मटर गश्ती की बातें कर रहे हो। मैं जो कहूंगा मानोगे? अभी तक तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आई, अभी तक तुम्हारे अंदर वो भावना नहीं आई, वो आंसू नहीं आ रहे हैं, क्या कारण क्या है समझते हो? महाराज वही तो पूछ रहा हूं, क्या कारण है? इसका कारण ये है, इसका दवाई ये है, इसका इलाज ये है कि तुम दूसरों के दोष को छुपाओ, अपने दोष को लोगों को बताने का अभ्यास करो। राम मिश्र ने कहा अरे हाँ, यही तो मैं यही करता हूं, बाकी सब करता हूं, यही नहीं करता हूं। यह करने की जब सोचता हूं तो भक्त होता है भीतर, कि मैं अपने पाप बताऊं दूसरे से, लोग क्या कहेंगे। महाराज जी आपसे बता दें खाली इतना, सबसे मत कहिए, गुरु जी को खाली बता दें अपने अपराध अपने पाप। चलो एक तक सीमित रहेगी बात, लेकिन वो भी एक शर्त पर, गुरु जी आप दूसरे से न बताइए, वरना फिर हमारा आपका रिश्ता कट जाएगा। वहां भी शर्त है। गुरु जी कहते हैं नहीं गधे, हमको तू मत बता, हमको बताने की जरूरत नहीं है, संसार को बता, और संसार के दोष न सोच न बोल। आप सब लोग सोचिए हमारे इस वाक्य को, पुंडरीकाक्ष के उत्तर को, यहीं पर गाड़ी रुकी है। आप लोगों को हर समय आप लोग सोचते हैं हमारी तारीफ करें लोग, आपस में लड़ते हैं सत्संगी सत्संगी, उसने हमको एक ही दिया, हमको एक ही दिया, तुम हो क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है, जिसने जो कुछ कहा सब ठीक कहा, और अधिक कहना चाहिए था, उसने तो बहुत कम कहा। अनंत अपराधों के तुम भंडार हो, प्रतिक्षण अपराध ही कर रहे हो, उसी में से थोड़ा सा अपराध बता दिया किसी ने तो वो तुम्हारे लिए असह्य हो गया, सही बात सुनने को तैयार नहीं, और वो हितैषी है जो तुमको सही बात बता रहा है, उसका प्रतिगंडा कर रहे उल्टा। देखो जी उसने हमसे कहा स्वार्थी, देखो जी उसने हमसे कहा कि आप जरा यहां से वहां लगाते हैं। मैंने क्या लगाया? बाप गए थे वहां डॉक्टर साहब के पास? हाँ गए थे। क्यों गए थे? अच्छा सत्संग करने गए थे, सत्संग करने गए, सत्संग करने गए तो वहां ये सब बातें क्यों किया गंदी गंदी, अमुक सत्संगी ने ये किया, अमुक सत्संगी ने ये कहा, वो तो ऐसे बात चल पड़ी थी, बात चल पड़ी थी। तुम ये प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते? सत्संगी सत्संगी जब मिलेंगे केवल हरि गुरु चर्चा ही होगी, और कोई टॉपिक नहीं छेड़ा जाएगा। अगर कोई छेड़े है ये गुरु आज्ञा नहीं है, ये हम सुनना नहीं चाहते, अगर आप दोबारा फिर चर्चा छेड़ेंगे तो मैं आपके यहां नहीं आऊंगा। संसार में अगर कोई किसी के पास जाए और उसी के खिलाफ कोई बोले, उसकी बीबी के खिलाफ बोले, उसकी बेटी के खिलाफ बोले, उसकी बहन के खिलाफ कोई बोले, तो कोई दोबारा जाएगा उसके घर में? क्या बदतमीजी की बात करते हो, अब मैं तुम्हारे घर पर कदम नहीं रखूंगा। तो फिर ये तुम सत्संग की बात, सत्संग की खिलाफत की बात, कोई गंदी बात सुनने के लिए क्यों भागवत समझ करके कान लगाते हो, फिर उसका कीर्तन करते हो, और फिर कहते हो मैं तो महाराज जी वही का वही हूं। अरे तुम वही का वही रहना चाहते हो तो कोई क्या करे? तुम पुंडरीकाक्ष का सिद्धांत क्यों नहीं मानते? अपने दोषों को बताओ, दूसरे के दोषों को छिपाओ, तब दीनता आएगी, और जब दीनता आएगी तो वही भक्ति की आधारशिला है, तब गाड़ी चलेगी।